बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया से लाइव हूँ जी आपके साथ मैं, यानी कि जद्दा बड़ी मालिक से लाइव हूँ मैं आपके साथ। तो भाई, एक न्यूज़ यानी कि वीकली जो रिपोर्ट आती है वजारत दाखिलिया की तरफ से कि इस हफ्ते में कितने अफराद, कितने हज़ार अफराद गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें इकामा एक्सपायर वाले या दूसरे जो भी बंदे होते हैं, आपके साथ मैं ये डिटेल शेयर कर देता हूँ, या जैसा कि हर वीक आपके साथ ये मैं न्यूज़ शेयर कर रखा हूँ मैं। तो बड़ी मालिक से मुतल्लक भी आपके साथ मैं कुछ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर जो सख्ती की सूरत हाल चल रही है वो आपको मैं लाइव भी दिखा रखा हूँ कुछ वीडियोज़ में। तो जिनमें भाई, जिनके खासकर उन बंदों के जिनके साय खास या साय मंजली वगैरह के महीने हैं, उनको पकड़ा जा रखा है कि आप यहां पर क्या कर रखे हैं, चाहे उनका इकामा मौजूद है यानी कि उनका इकामा एक्सपायर भी ना हो, फिर भी कि आप यहां पर क्या कर रखे हैं। आपको अपने कफील के पास होना चाहिए, और ये मैं खुद से देख भी रखा हूं। और शमेसी जेल के अंदर से एक जानने वाले ने भी मुझे रिपोर्ट दी थी कि भाई यहाँ पर उन बंदों को भी लाया जा रखा है जिनके इकामे मौजूद हैं लेकिन साइक खास और साइक मंजिली वगैरह हैं। तो अभी इस न्यूज़ के यानी कि इस रिपोर्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रखे होंगे, मैं आप भाइयों को दिखा भी देता हूँ। टोटल 17,598 यानी कि 17,600 अफराद बोल रहे हैं जी, 17,600 अफराद अभी तक यानी कि एक हफ्ते के अंदर पकड़े गए हैं, जिनमें मुखालफा निज़ाम इकामा 6,594 अफराद हैं जी, मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद जो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर यानी कि बंदरगाहों से या ज़मीनी रस्ते से गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, 9,229 अफराद हैं जी। उसके आगे लिखा हुआ जी मुखालफा निज़ाम अल अमल 1,775 यानी कि 1775 अफराद वो भाई पकड़े गए हैं जो मुखालफा निज़ाम अल अमल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वो भाई जिनके महीने कुछ और हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको साय खास और साय मंजिली के मुतालिक पहले बता चुका हूं। तो जो मेरे भाई आज़ाद काम करते हैं या अपने कफीलों से हट कर काम इस वक्त सऊदी अरबिया में कर रहे हैं, जिन बंदों के तो इकामे एक्सपायर हैं वो तो भाई जब भी उनके हत्थे चढ़ गए वो तो जेल में जाएंगे, लेकिन जिनके इकामे हैं वो भी अपने कफील के अलावा किसी और के पास काम कर रखे हैं, तो वो भी इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए।